हाय गाइज, यहाँ पर जो ओला का सिस्टम है, जो भी ओला कंपनी क्लेम करती है, कुछ डिफरेंट ही यहाँ पर हमें मिल रहा है। आप डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप ओला से नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं या कुछ भी हैं, आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है, क्योंकि ओला कंपनी यहाँ पर सच में कुछ कहने के लायक काम कर रही है और कुछ भाई कर रही है। मेरा एक आदत है, मेरा वसूल है, जो कंपनी अच्छा करती है तो भी मैं बताता हूँ, कंपनी बुरा करती है तो भी मैं बताता हूँ। तो डेफिनेटली इसमें ओला कंपनी के स्कूटर के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट। और आप देख रहे हैं टेक्निकल पवन सर सबको सीखो जानो यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो भाई साहब, यहाँ पर ओला जो कंपनी क्लेम कर रही है उसके रिकॉर्ड को कस्टमर यहाँ पर तोड़ रहे हैं जब से स्कूटर डिलीवरी होना चालू हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, भावेश सर ने ऑलरेडी मैसेज किया, वाव नाइस, इट रेगेन इज यूज एक्सट्रीमली वेल, इट कैन इवन टच 200 किलोमीटर। मतलब ये कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर भी ये बंदा टच कर सकता है। यहाँ पर जिनका नाम है कार्तिक बीआर, यहाँ पर बोलते हैं कि जो कंपनी का आईडीसी और एआरआई जो रूल है उसको उस चीज़ को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। बता रहे हैं कि मैंने आज 165 किलोमीटर की जो रेंज है वो कंप्लीट कर ली है, और जबकि मेरी स्कूटर की जो बैटरी है अभी भी 14% चार्ज बची हुई है, और अभी भी स्कूटर में जो शो हो रहा है वो 22 किलोमीटर की रेंज शो हो रहा है। इस हिसाब से मैं इस स्कूटर को 187 किलोमीटर तक चला सकता हूँ। तो 14% बैटरी में 22 किलोमीटर की रेंज शो हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कैसे, इनका जो वेट है वो है 82 किलोमीटर, और इनका जो सिटी है वो बता रहे हैं बेंगलुरु। वेदर जो है वो ठंडा रहता है, यहाँ पर अप्रोक्स 25 से 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। और जो ये बता रहे हैं लोड इंक्लूडिंग कुल मिलाकर के 100 kg के आसपास यहाँ पर हो जा रहा है। इन्होंने स्कूटर को चलाया है हाईवे, ट्रैफिक एंड गली, मतलब गली में भी चलाए हैं, ट्रैफिक में चलाए हैं, हाईवे, तीनों जगहों पर इन्होंने स्कूटर को चलाया है, और 187 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर निकाल कर स्कूटर दे पा रहा है। तो मैं आपको बताऊँ क्यों दे पा रहा है, आगे अभी बहुत सारा कुछ है, डेफिनेटली वीडियो को पूरा देगा, छोड़ के भाग जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्कूटर में जो है ये रेंज निकाल सकते हैं आप भी। इस स्कूटर ओला में कमाल का एक फीचर है जिसका नाम है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम, और भाई वो सच में एक कमाल का फीचर है। जैसे ही हमारे पास स्कूटर आता है मैं आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा किस तरीके से रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, और जिनके हाथ में गया है ऑलरेडी वो आपको दिखाएंगे। जैसे ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करना चालू होता है, वहाँ पर जो आपका सिस्टम होता है, जहाँ पर रेंज दिखा रहा होता है, जहाँ पर स्पीड दिखा रही होती है, वहाँ पर ग्रीन का सिंबल आने लगता है। यहाँ पर देंगे इन्होंने, जस्ट यहाँ पर आपको पूरा पिक मिल जाएगा जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा 165, और साइड में नीचे जाएगा तो 22 किलोमीटर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इनका स्कूटर जो है इको मोड में जा चुका है और 22 किलोमीटर के आसपास चलेगा। तो यहाँ बैटरी जो है, बैटरी का यहाँ पर सिंबल जो है वो सेफ है, और ऑलरेडी कुछ कुछ जगहों पे इनका स्कूटर इतना कमाल का काम कर रहा है, इतना कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बता रहा था, सच में वो कमाल का, जब आप चलाते हैं जहाँ पे आपको स्पीड शो होता है, स्पीडोमीटर जहाँ दिखाता है उसी में कभी कभी रेड सिंबल आता है, कभी ग्रीन सिंबल आता है। तो जब ग्रीन सिंबल आ रहा है मतलब आपका जो स्कूटर है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो आपका स्कूटर है वो ऑलरेडी बैटरी कम कंज्यूम कर रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है, बैटरी ऑलरेडी स्टोर कर रहा है उस टाइम पे। और जैसे ही वहाँ पर रेड का सिंबल आता है मतलब समझ लीजिए कि बैटरी वो यूज कर रहा है। तो इस हिसाब से करके जिनके पास ऑलरेडी स्कूटर चलाने की काबिलियत है, जो चलाने के ऑलरेडी जानते इलेक्ट्रिक के बारे में, जो बहुत अच्छे चलाते हैं, सच में वो काफ़ी कमाल का इस स्कूटर से रेंज निकाल पाएंगे, जबकि आप भी सारा कुछ सीख जाएंगे। इस स्कूटर को आप लगभग 6 महीने साल भर जैसे ही आप चलाएंगे आपको सारा कुछ आ जाएगा, तो कमाल की आप एक रेंज निकाल पाएंगे इस स्कूटर से, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सच में भावेश सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, यहाँ पर जितने लोग भी स्कूटर को ले रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी भाई सच में अच्छी है स्कूटर की, बाकी के मुकाबले में प्राइस भी ज़्यादा है बट आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पर, ये बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन शॉट तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैटरी 33% चार्ज है, और यहाँ पर जो इन्होंने टच किया है टॉप स्पीड वो 101 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन्होंने चला चुका है। एवरेज जो स्पीड इनकी रही
लिए वो 37 किलोमीटर पर हावर की स्पीड रही है, जबकि इनका जो स्कूटर चला है वो 71 किलोमीटर चला है, और अभी भी इनके स्कूटर में जो बैटरी बची है 33% और 48 किलोमीटर जो है अभी ये स्कूटर को चला पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कितना किलोमीटर इनका स्कूटर चलेगा। तो 48 और अगर आप प्लस करते हैं 71 तो यहाँ पर जो निकल करके आता है 119 किलोमीटर। तो ये जो स्कूटर को चला रहे हैं ये इनके हिसाब से इनका स्कूटर 119 किलोमीटर चल पाएगा इस हिसाब से। तो यहाँ पर जो कंपनी क्लेम करती है उससे ये कम स्कूटर को ड्राइव कर पाते। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, देखने को यहाँ पर मिलता है। दो एग्जांपल मैंने दिखाया और भी एग्जांपल आपको मैं शो करता हूँ। इस हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा स्कूटर चलाने में हुनर है, कुछ लोग माहिर हैं इस स्कूटर चलाने में, और कुछ लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो चला नहीं पा रहे उस तरीके से। यहाँ पर भी देखेंगे तो अभी यहाँ पर पदम नाफा करके हैं जिन्होंने स्कूटर को जो इनको मिला था उन्होंने बताया यहाँ पर है कि मैंने स्कूटर 92% बैटरी थी तब पाया था, और 92% के बाद मैंने अभी फ़िलहाल में मेरे पास बैटरी जो बची वो 33 किलोमीटर बची है, जबकि ये कह रहे हैं कि मैंने 77 किलोमीटर अभी चला लिया है। 6 से 8 बार जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हाइपर मोड में चलाए हैं 1-1 किलोमीटर हमेशा, तो हाइपर मोड में 1-1 किलोमीटर हर बार चलाएं, 77 किलोमीटर ये चला चुके हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर जो है वो मैंने चलाया है 4 किलोमीटर ऑफ रोड। तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर ऑफ रोड चलाए हैं, 25 किलोमीटर सिटी में चलाए हैं, 40 किलोमीटर हाईवे पे चलाए हैं। तो ये इनका पूरा निकल करके आता है, अगर आप जोड़ेंगे इनका पूरा रेंज तो इन्होंने जो चलाया है वो 25 किलोमीटर चला लिया स्कूटर को ऐसे। तो यहाँ पर 25 प्लस कर देंगे और फिर इसके बाद से 40 प्लस कर देंगे, प्लस में आपका 4 प्लस कर देंगे, तो इन्होंने 69 किलोमीटर लगभग चला लिया है, जबकि बैटरी इनकी बची हुई है 33% अभी भी, और 84 किलो इनका वजन है, जबकि ये बता रहे हैं कि 7 से 8 बार हाइपर मोड में चलाए हैं। तो इस हिसाब से इनका भी स्कूटर काफ़ी कमाल का यहाँ पर रेंज दे रहा है, तो लगभग 79 किलोमीटर इनका रेंज निकल कर आता है चलाने के हिसाब से, बता रहे 77 किलोमीटर पता नहीं। तो अगर हम जोड़ेंगे 40 और 25 प्लस में 4 किलोमीटर तो यहाँ पर निकल करके यही आता है लगभग 69 किलोमीटर। तो इन्होंने इतना चलाया है स्कूटर को, और ये काफ़ी इसको देखेंगे स्कूटर में सीन में तो आपको ऑफ मोड भी दिख जाएगा, बाकी सारे मोड में स्कूटर को इन्होंने चलाया है। तो अलग अलग जगहों पर इन्होंने चलाया स्कूटर को, ऑफ रोड भी चलाया है, हाईवे में चलाया है, और बाकी जगहों पर भी स्कूटर को चला चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें यहाँ पर निकाल करके ला रहे हैं, और एक भाई ने तो भाई बिल्कुल अलग ही कर दिया यहाँ पर, उन्होंने तो स्कूटर को 127 किलोमीटर की टॉप स्पीड पकड़ा दी थी, और उसके बावजूद उनका जो स्कूटर निकाल करके रेंज देता है वो एग्जैक्ट 135 किलोमीटर वाली रेंज देता है। तो चलिए उनका भी मैं आपको फटाफट से शो कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए कितना स्कूटर उनका रेंज दे पा रहा है यहाँ पर। तो अगर इस पीक में आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको शो हो जाएगा टॉप स्पीड 127 किलोमीटर, डिस्टेंस इन्होंने जो कवर किया है वो 43 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और एवरेज स्पीड इसकी इसमें फिर से 26 किलोमीटर है। तो अगर मैं जोड़ूँ 92 प्लस 43 किलोमीटर तो यहाँ पर 135 किलोमीटर की एग्जैक्ट रेंज निकल करके आती है। तो इन्होंने काफ़ी चलाया है स्कूटर को और काफ़ी हाई स्पीड पता नहीं कैसे पकड़ा है। एक बार इनसे जो इनका नाम है शायद वंश अरोरा करके नाम है, तो इनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमें बताएं कि क्या आपने सिस्टम यूज़ किया, कैसे स्कूटर को आपने चलाया कि आप 127 किलोमीटर तक की रेंज आप लेकर चले गए। ये चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने स्कूटर चलाया है, ड्राइविंग साइकिल इनकी अच्छी खासी है, और जो लोगों ने भाई 180 से ऊपर तक की रेंज पकड़ चुके हैं उनका ऑलरेडी, उनको तो भाई मतलब चलाने का हुनर है अच्छा खासा, उनके पास नॉलेज है, क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उन लोगों ने चला के देख लिया, अब बड़े बोले छोटे बोले जो भी, लेकिन यूट्यूबर हैं काफ़ी अच्छा खासा उन लोगों ने चलाया, जैसे कि यहाँ पर प्रदीप अनविल उन्होंने चलाया, इसके अलावा भाई तरुण भाई जो कि ईवी ज्ञान वाले चैनल वाले हैं दिल्ली से, उन्होंने भी चलाया और चला कर काफ़ी अच्छा खासा क्लेम यहाँ बता दिया गया कि 143 का हम रेंज दिखाएंगे, आई लव यू 143 मतलब वही होता है शायद आई मिस यू आई हेट यू भी हो सकता है पता नहीं। तो ये कुल मिला जुला करके उन्होंने 143 का कमाल का रेंज निकाल कर दे पाए। तो यहाँ पर 143 का वो रेंज देते हैं, जबकि इनके हिसाब से प्रदीप जी हैं जो प्रदीप अनविल 198 किलोमीटर के बाद दिखाते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं हमने हाइपर मोड ये मोड वो मोड कर दिया था, जिसकी वजह से अब स्कूटर लगभग 117 किलोमीटर 118 किलोमीटर के आसपास उन्होंने क्लेम कर दिया। तो कुल मिला जुला करके भाई आप लोग तो बेटर ये चलाता है बंदा, जिस बंदे ने
कमाल की स्पीड निकाल करके दी है, तो आपको शायद एक बार इनसे सीखना चाहिए कि क्या ही स्कूटर ये चलाते हैं। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस व्यक्ति से, इन शख्स से आप जा करके आप एक बार बात करिए और पता करिए कैसे इन्होंने चलाया है। और अगर ये व्यक्ति हमारे यूट्यूब पर आ जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर हमसे आप बात करिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आपने सिस्टम लगाया, कैसे आपने स्कूटर को चलाया, ताकि हम अपने YouTube फैमिली, अपने दोस्तों को भी हम बता सकें, आपकी राय को हम जान सकें, इनको भी बता सकें, ताकि ये लोग भी स्कूटर को उस तरीके से उस सिस्टम में यूज करके अच्छा से रेंज निकाल पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। और मेरे पास स्कूटर आएगा तो मैं ज़रूर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं, वही मेन सिस्टम यूज किया गया जिससे स्कूटर काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाया है। तो ओला कंपनी का जो स्कूटर है इसमें जो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो कमाल का ही काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए तो भाई सच बात है ओला ने कुछ बेटर किया है। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हमारे चैनल पर ओला रिलेटेड हर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, लगभग 100 से ऊपर की वीडियो अपलोड हो चुकी है ओला से रिलेटेड। और आप हमारे अगर जाएंगे चैनल में प्लेलिस्ट में तो ओला की पर्सनल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें जाकर के आप पूरी की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगी। तो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन डेफिनेटली सबसे पहले मिले। और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच करें, और आप हमारे भाई के समान हैं, हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की, प्यार की, स्नेह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।